वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 25, जो कि है 31 अगस्त की वर्कशीट क्लास 9th की। इसके अंदर हम देखेंगे पहले मैथमेटिक्स, फिर साइंस और फिर हिंदी की वर्कशीट। आइए चलते हैं हम मैथ्स के टॉपिक को देख लेते हैं। आज हमारा जो मैथ्स का टॉपिक है उसके अंदर हम देखने वाले हैं मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन कैसे कहते किसे हैं पहले उसको समझ लेते हैं। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है एडी, ये लाइन मीडियन कहलाती है, जिसे जिसका मतलब होता है जो कि इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट, मतलब जो इसका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है वो इक्वल हो जाता है। दूसरी चीज जो इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट जो जानने के लिए है वो है जो बेस है, जो ऑपोजिट जो लाइन है ये वाली साइड, वो भी इक्वली डिवाइड होती है, मतलब बी डी इक्वल्स टू डी सी। तो एरिया की बात अभी इन्होंने नहीं करी है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके लिए दे रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब इसको पढ़ो तो भी आपको काम आ जाए। अभी के लिए आपको समझना यह है कि मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो ऑपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करती है। तो कितनी मीडियन होती हैं पहले वो देख लेते हैं। तो एक ट्रायंगल में एक मीडियन हम ऐसे इस वर्टेक्स से बना सकते हैं ऑपोजिट में, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। इस वर्टेक्स से बना सकते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से यू बना सकते हैं। तो बेसिकली एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन हो सकती है? तीन मीडियन हो सकती है। जहां पे वो मिलती है, तीनों के तीनों जो मीडियन जहां पे वो मिलती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है हमारे लिए। वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तीनों मीडियन और एक ट्रायंगल की मिलती है। अब और एक एक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वो एक टाइप का है, बहुत सारे और टाइप के भी ट्रायंगल हो सकते हैं। जैसे कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं इस तरीके से। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो मीडियन होगी वो किस टाइप से आपको दिखाई देगी? ये स्लांटिंग लाइन आपको दिखाई देगी, ये लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो कहने का मतलब ये है मीडियन हमेशा क्या होती है? वो ट्रायंगल के अंदर रहती है। चाहे आप ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ले लें, चाहे आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, तो इसके अंदर यहां से अगर मीडियन बनाएंगे ये स्लांटिंग बनेगी, ये वाली जो लाइन है बीच में इसे कहते हैं मीडियन। जैसे कि नाम है मिडल, मीडियन का मतलब हो गया मिडल। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर, ब्रेनस्टॉर्म के अंदर इन्होंने बोला है फाइंड आउट वेदर द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। डू द थ्री मीडियन ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट। तो उन्होंने पूछा है, डू से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या तीनों मीडियन किसी पॉइंट में मिलती हैं। तो इसका आंसर हो गया यस, मिलती हैं। तो उस पॉइंट का और इंटरसेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट, तो ये आपका आंसर नो हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यस दे मीट एट वन पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन है नेम द पॉइंट वेयर ऑल द थ्री मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट। तो अभी अभी हमने बात कर ली थी इसके बारे में, जहां पे तीनों पॉइंट मिले उसे कहते हैं सेंट्रॉइड। तो इसके और इसके बारे में और भी बातचीत करेंगे एक अलग वीडियो में, सेंट्रॉइड के क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। अभी हम आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं इसके अंदर। आपको इसके बारे में फिगर भी दे रखा है एक, आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे तीन मीडियन उन्होंने बनाई है। ये जो पॉइंट ओ है ये सेंट्रॉइड है, और ये जो सिंबल है ये सिंगल लाइन का मतलब है क्यू बी इज इक्वल्स टू बी आर। तो यहाँ पर डबल डबल का मतलब है पी बी पी सी इक्वल्स टू सी आर। तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है नेम द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पहली मीडियन हो गई पी से ऑपोजिट कहाँ जा रही है, हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। तो पहली जा रही है पी से बी तक, पी से बी, दूसरी जा रही है क्यू से सी, और तीसरी जा रही है आर से ए। तो हम यहां पर आंसर लिख देंगे पी बी, और यहां पर लिख देंगे आर ए, और तीसरा हो गया क्यू सी। तो ये आपके तीन यहां पे फिल द ब्लैंक्स आ गए। नेक्स्ट आ जाता है आपका एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड बोला है आपने, सबसे ज्यादा इसके बारे में पढ़ा होगा जब आपने माउंटेन्स के बारे में, हाइट के बारे में पढ़ा होगा। एल्टीट्यूड कितनी उसकी हाइट है, कोई अगर माउंटेन लेते हैं तो उसकी कितनी हाइट है। तो एक चीज ध्यान रखें, जो हाइट होती है वो हम हमेशा 90 डिग्री पे ही नापते हैं। तो बेसिकली अगर कोई आपको बोलता है कि आपकी हाइट नापनी है, तो आप एकदम सीधा खड़े होने के लिए आपको बोलता है, आप बैठा हुआ अलाउड नहीं होता उसके अंदर, तो टेढ़ा अलाउड नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर ट्राइंगल के अंदर हम अगर हम बात करें, तो लाइन जो एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री, टेढ़ी अलाउड नहीं है। स्ट्रेट अगर लाइन जो 90 डिग्री पे आती है वो होती है एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। एक हम इसके अंदर डायग्राम अलग से देख लेते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के केस में क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के केस में जैसे कि मैंने बोला, एल्टीट्यूड क्या होती है? हमेशा स्ट्रेट। तो इस केस में भी हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो एल्टीट्यूड जो है वो बाहर हो सकती है ट्राइंगल के, वेरियस मीडियन बाहर नहीं हो सकती। तो आइए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन जो उन्होंने बोले हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे हैं, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्टीट्यूड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पे फिगर दे रखा है आपके सामने है, एक एल्टीट्यूड ये हो गई, दूसरी और ये तीसरी, तो मैक्सिमम कितनी बन सकती है? तीन। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। नेम द पॉइंट वेयर ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स मीट। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, जैसे कि मीडियन मिलता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो ये इसका मीटिंग पॉइंट हो जाता है जहां पर तीनों के तीनों एल्टीट्यूड मिलती है। तो यहाँ पे इन्होंने इस फिगर के अंदर पूछा है कि 3 एल्टीट्यूड बताइए। तो पहली एल्टीट्यूड है पी बी, तो यहाँ पर हम पी बी लिख देंगे। दूसरी है क्यू सी और तीसरी हो गई आर ए। आइए चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड कंस्ट्रक्ट 3 मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। तो ऊपर यहाँ पर ये जो फिगर दे रखा है, ये वाला फिगर आप इसके अंदर बना ले। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसके अंदर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, दूसरे क्वेश्चन में ड्रॉ ट्राइंगल एंड कंस्ट्रक्ट 3 एल्टीट्यूड्स। तो एल्टीट्यूड के अंदर हम ये वाला फिगर हम बना लेंगे। तो ये मैथ्स की वर्कशीट आज बहुत ही इजी थी। आइए चलते हैं हम अपनी साइंस की वर्कशीट की तरफ। साइंस की वर्कशीट में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मीटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स के बारे में। सो मीटोकॉन्ड्रिया होता क्या है और इसके क्या फंक्शन है, और वैक्यूल्स का भी सेम तरीके से क्या फंक्शन है वो हम अभी पढ़ लेते हैं। फ्रॉम वेयर डज अ सेल गेट्स एनर्जी परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ। सो बेसिकली हम देखने वाले हैं जो सेल है उसको एनर्जी कैसे मिलती है अपनी डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, और उसको कैसे वो बनाता है। तो ये दो क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे इसके अंदर। दिस वर्क्स इन परफॉर्मेंस बाय अ सेल ऑर्गेनेल नोन एज मीटोकॉन्ड्रिया। तो मीटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के लिए। तो ये बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन है। ऑल नेसेसरी एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेस इज रिलीज बाय मीटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि मीटोकॉन्ड्रिया है जो बनाता है सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो ये इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं, किसको? एनर्जी को। मीटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू सेल बाय प्रोड्यूसिंग एटीपी, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस और एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल। जैसे इंसानों को जैसे एक अलग से एनर्जी प्लांट बनाना पड़ता है जहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी क्रिएट करी जाती है, वेयर एज सेल के अंदर भी वो एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। कहाँ पर? मीटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस करी जाती है? एटीपी की फॉर्म के अंदर। और एटीपी की फुल फॉर्म हमें यहाँ पर दे रखी है, आगे देख लेते हैं। देयरफॉर इट इज नोन एज पावर हाउस। तो पावर हाउस इसको बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पावर हाउस क्यों बोला जाता है ये पूछा जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके अंदर वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए बॉडी इस एनर्जी को यूज करता है, जैसे सेल की ग्रोथ के लिए और एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, बहुत सारी और एक्टिविटीज के लिए।
एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी की फॉर्म में हम इसको मेजर करते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है एनर्जी करेंसी। जैसे हम पैसे को रुपीज होता है, डॉलर होता है, उसी तरीके से एनर्जी की जो करेंसी है वो है एटीपी। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया इज वेरी पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। सो बेसिकली जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब बाहर दो लेयर, अगर आपको फिगर में दिखाई दे रही है, दो लेयर है, जो बाहर वाली लेयर है वो बहुत ही पोरस है। पोरस का मतलब हो गया वो आने जाने देती है बहुत ही आराम से मटेरियल को, वेरस जो अंदर वाली है वो बहुत ही ज्यादा फोल्डेड है। मिटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल दैट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो उसको वहां पे क्रिएट करने के लिए राइबोसोम्स और डीएनए उसके सेपरेट है, बॉडी के लिए अलग है, और मिटोकॉन्ड्रिया के लिए डीएनए और राइबोसोम्स अलग से है। देयरफॉर इट कैन मेक सम ऑफ इट्स प्रोटीन बाय इट्स ओन। तो जैसे कि हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं सेल्स के लिए, वेरेस मिटोकॉन्ड्रिया के लिए राइबोसोम उनके सेपरेट है, आप कह सकते हैं सेपरेट कुक है उनके पास, तो अपने लिए खाना वो खुद बना सकते हैं। वैक्यूल्स क्या क्या काम है आपको पता है? वैक्यूल्स जो है वो ज्यादातर एनिमल्स में नहीं होते, या फिर वो बहुत ही छोटे में होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, वेयरएज प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स जो है वो बहुत ही बड़े साइज के होते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्मॉल साइज और एबसेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर भी वैक्यूल्स नहीं होते, बट इन प्लांट सेल दे आर लार्ज इन साइज, बड़े साइज के होते हैं, जनरली सेंट्रली लोकेटेड इन द प्लांट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली वीडियो में जो इमेजेस दिखाई हैं वो उनको भी जरा ध्यान से देखें, आपको पता चल जाएगा कि वैक्यूल्स कहाँ पे लोकेट करते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। तो बेसिकली वैक्यूल्स का एक मेजर काम होता है उसको रिजिडिटी, मतलब एक स्थिरता देना और उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। मेनी सब्सटेंसेस सच एज अमीनो एसिड एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन, शुगर एक्सेट्रा आर स्टोर्ड इन इट। किसके अंदर? वैक्यूल्स के अंदर ये सारे की सारी चीजें पाई जाती है। दैट हैज इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। तो ये इसका नाम है, किसका? मेम्ब्रेन का, जो लेयर है बाहर उसकी। इट कीप्स द कंटेंट ऑफ द सेल सैप सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो एक तरीके से आप वॉल समझ सकते हैं, साइटोप्लाज्म बाहर का लिक्विड हो गया और वैक्यूल के अंदर अपना एक लिक्विड है, अपना एक मटीरियल है। दोनों को अलग रखने के लिए टोपोप्लास्ट नाम की एक लेयर है, वॉल है आप कह सकते हैं, जो उनको सेपरेट रखती है। इन यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर होता है वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक ही सेल होता है। स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। सो ऑब्वियसली यूनिसेल्यूलर के अंदर एक ही सेल होता है, तो उसके अंदर जो वैक्यूल हो गया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जो कि क्या काम करता है, अगर ज्यादा पानी हो जाए तो उसको बाहर फेंकने के लिए, या फिर वेस्ट हो जाए उसको भी बाहर निकालने के लिए काम आता है। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस क्यों बोला जाता है, वो हम पहले ही यहाँ पे पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से देख लेते हैं, ऑल नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ से यहाँ तक आप इसको लिख देंगे, नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल यहाँ तक। सो ऑल नेसेसरी से लेकर एनर्जीज प्लांट ऑफ द सेल यहाँ तक आप लिख देंगे, फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं आंसर नंबर टू की तरफ। नेम एनी वन फंक्शन ऑफ द सेल फॉर विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्टली वहां पे लिखा नहीं है कि एनर्जी कहाँ के लिए चाहिए होती है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो मैं एक फंक्शन आपको लिख देता हूँ, ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ द सेल। तो ग्रोथ ऑफ द सेल आपका एक हो सकता है फंक्शन, आपके नॉलेज में एक्सक्रीशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, या एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, एक मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट आते हैं आंसर नंबर थ्री की तरफ। वैक्यूल्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ विच सेल। किस सेल के लिए इम्पोर्टेंट है आप बताएं, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, प्लांट सेल। प्लांट सेल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एंड नेम द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स। क्या नाम है
मेम्ब्रेन का, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, टोनोप्लास्ट। तो आंसर नंबर 4 पे आ जाते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट आ जाता है आपका आंसर नंबर 5, नेम थ्री सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ अ प्लांट सेल। तो यहाँ पे तीन चार दे रखे हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है एमिनो एसिड, दूसरा हो गया वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, सम प्रोटीन शुगर्स। तो इसमें से आप तीन लिख दें। तो यहाँ पर आपकी एक साइंस की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आगे चलते हैं अपने हिंदी की वर्कशीट की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब आपकी हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं। ये है आपका कार्य पत्रक नंबर 25, वर्कशीट 25। ये 31 अगस्त मंडे की ये वर्कशीट है। तो हम ऑलरेडी इस पे वर्कशीट्स कर चुके हैं। ये आपका जो पार्ट है सांवले सपनों की याद, उसी की कंटिन्यूएशन में वर्कशीट है। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, थोड़ा से उस पार्ट का अंश दिया गया है। जल्दी से उसके उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो, मतलब कि स्पैरो का गिर जाना, या एक तरह से मेटाफोरिकली सिंबॉलिकली इसका मतलब है कि स्पैरो का मर जाना। मुझे याद आ गया डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, मुझसे भी ज्यादा जानती हैं। वह सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। तो यहाँ पर इस गद्यांश में लेखक ने ये बताया है, सालिम अली के बारे में बताया कि उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो, और इससे उन्हें याद आया कि डीएच लॉरेंस जो एक और बहुत बड़े लेखक थे, उनके बारे में जब उनकी मौत हुई तो लोगों ने उनकी वाइफ जो थी, उनकी पत्नी जो थी फ्रीडा लॉरेंस, उनसे कहा कि वो भी अपने पति के बारे में कुछ लिखें। लेकिन फ्रीडा ने कहा कि भाई वैसे तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे रगों में समाये हुए हैं, लेकिन मैं इतना कुछ जानती हूँ उनके बारे में कि मुझे मेरे जो अनुभव हैं उनको शब्दों में लिखना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और मेरी वो इतने सादे आदमी थे, इतने खुले दिल के आदमी थे वो, कि हमारे छत पर बैठी जो गौरैया है वो शायद उस उनके बारे में मुझसे ज्यादा जानती होगी, क्योंकि वैसे भी वो उसके साथ इतना समय बिताते थे, वो नेचर के साथ प्रकृति के साथ इतना समय बिताते थे कि गौरैया को जो है हमारी छत की गौरैया को शायद मुझसे ज्यादा ही पता होगा उनके बारे में। तो यही आपका गद्यांश है, इस पर बेस्ड आपके प्रश्न है वो देख लेते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न है आपका, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था? तो यहीं से आपका पहली लाइन जो है वही आपका उत्तर है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका कहता है, लोग लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से क्या चाहते थे? तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने फ्रीडा, उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपनी पति के बारे में कुछ लिखें। तो यही आपका उत्तर 2 है। चलते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 आपका कहता है, फ्रीडा ने लोगों की बात का क्या उत्तर दिया और उसने ऐसा क्यों कहा? तो आप यहाँ पर, मैं अगेन आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो उसी उत्तर को आप, ये सैम्पल आंसर भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आप इस आंसर को अपने शब्दों में भी लिखिए और कोशिश कीजिए कि पहले अपने शब्दों में लिखकर फिर आप इससे आंसर को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और अपनी टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं। चलते हैं आपके आखिरी प्रश्न पर। आपका आखिरी प्रश्न कहता है, ये एक एक्टिविटी है, तो आपने भी किसी ना किसी पक्षी का अवलोकन किया होगा, मतलब कि आपने किसी ना किसी पक्षी की ऑब्जर्वेशन की होगी, उसे देखा होगा, उसको समझा होगा। तो उस पक्षी के गुण और व्यवहार से संबंधित 10 पंक्तियां अपने शब्दों में आपको लिखनी है। तो वो पक्षी कैसा है, उसमें क्या क्या गुण है, कैसा उसका व्यवहार है, तो उसके बारे में आपको
10 पंक्तियां लिखनी है। तो हमने यहाँ पर तोते के बारे में लिखा है, तोते नाम के पक्षी के बारे में हमने यहाँ 10 पंक्तियां लिखी हैं। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और पक्षी आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे चिड़िया देखते हैं या कबूतर देखते हैं या कोई और पक्षी आप अपने आसपास देखते हैं, तो आप उसके बारे में भी 10 पंक्तियां लिख सकते हैं। आप उसे थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा आधा घंटा प्रकृति के साथ बिताइए और उस पक्षी को ध्यान से देखिए, तो वो जैसे भी उसके उसका व्यवहार है आप उस पर 10 पंक्तियां लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो ये सैम्पल आंसर देखकर आप इससे भी इंस्पायर होकर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट में यही है, उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए। थैंक यू।